हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि सिंथेसिस का लेसन पढ़ाएं। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि सिंथेसिस क्या है। फ्रेंड्स, सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाई जाती है। इस प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को अगर कंबाइन कर एक बना दी जाए तो इसी प्रोसेस को हम सिंथेसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं तो फिर यह लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सिंथेसिस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखें फ्रेंड्स कि कैसे दो सिंपल सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज कर देना है। फ्रेंड्स, यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ एक लेसन पढ़ाऊंगा। बाकी लेसन्स हर रोज शाम 8 बजे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब दो सिंपल सेंटेंसेस में किसी काम को न होने पाने की वजह पहले वाले सेंटेंस में बताई जाए तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस 2-2 की मदद से करते हैं। कैसे करना है, आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है ही इज वेरी वीक, वह कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ वह चल नहीं सकता है। क्यों नहीं चल सकता है, क्योंकि वह कमजोर है। तो ये काम क्यों नहीं हो सकता है, इस बात की वजह पहले वाले सेंटेंस में बताई गई है। तो फ्रेंड्स, जब आपको ऐसे दो सिंपल सेंटेंसेस मिले जहां किसी काम को न होने पाने की वजह पहले वाले सेंटेंस में दिया गया हो तो इस तरह के सेंटेंसेस का सिंथेसिस 2-2 की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जो आपका पहला सेंटेंस होगा उसमें वेरी की जगह आप लिखेंगे टू। उसके बाद जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा उसके वर्ब के पहले आप लिखेंगे टू। अगर उसमें ऑब्जेक्ट लिखा हो तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा ही इज टू वीक। मैंने पहले सेंटेंस में वेरी की जगह पर टू का यूज किया। आइए अब दूसरे सेंटेंस की बात करें। दूसरे सेंटेंस की शुरुआत आप टू से करें, उसके बाद जो वर्ब दिया गया हो आप उसे लिखें। बाय द वे, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और आप इन दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस कर चुके हैं, यानी दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और कैन नॉट को गायब कर दें। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक का सिंथेसिस हुआ ही इज टू वीक टू वॉक। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ दो सिंपल सेंटेंसेस लिखा हुआ है। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट पे हिज फीस, और वह अपना फीस पे नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस में ये बताई जा रही है कि ये काम क्यों नहीं हो सकता है, यानी वो अपना फी क्यों नहीं पे कर सकता है। इस बात की वजह पहले वाले सेंटेंस में बताई गई है। क्यों, क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस 2-2 की मदद से करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एग्जांपल में समझें। आप यहाँ लिखेंगे ही इज टू पुअर, वेरी को हटा दे और उसके जगह पर लिखें टू। और जब आप अपने दूसरे सेंटेंस को शुरू करें तो आप स्टार्ट करें टू से, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आए हुए हैं तो आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आप लिखेंगे पे हिज फीस। और ये दो सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है द टी इज वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे नहीं ले सकता या मैं इसे नहीं पी सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे ये दूसरा वाला काम नहीं होने की वजह पहले वाले सेंटेंस में दी गई है। मैं चाय नहीं पी सकता हूँ क्योंकि यह बहुत गर्म है। तो आइए फ्रेंड्स, इसका सिंथेसिस करते हैं। हम लिखेंगे द टी इज टू हॉट, पहले वाले सेंटेंस में अगर वेरी हो तो आप उसे टू में चेंज कर दें। अब आइए दूसरे वाले सेंटेंस के बारे में जानते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस की शुरुआत करें टू से, उसके बाद आप अपना वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आपका वर्ब है टेक और आपका ऑब्जेक्ट है इट। और आप इस सेंटेंस का सिंथेसिस कर चुके हैं। द टी इज टू हॉट टू टेक इट। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ही इज वेरी माइजर, ही कैन नॉट बाय अ कार। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये काम नहीं हो सकती है, यानी वो एक कार नहीं खरीद सकता है। इस बात की वजह पहले वाले सेंटेंस में दी गई है, यानी वह एक कार नहीं खरीद सकता है। क्यों, क्योंकि वह बहुत कंजूस है। तो आइए फ्रेंड्स, इन दो सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करते हैं। हम लिखेंगे ही इज टू माइजर, वेरी के लिए आप टू लिखें। उसके बाद जब आप दूसरे सेंटेंस की शुरुआत करें तो आप लिखें टू, उसके बाद आप वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। आपका वर्ब है बाय और आपका ऑब्जेक्ट है अकार।
ही इज टू माइजर टू बाय अ कार, और आप इसका सिंथेसिस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको दो ऐसे सिंपल सेंटेंसेस मिले जहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में ये बताई जाए कि कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन वो काम क्यों नहीं हो सकता इस बात की डिटेल अगर पहले वाले सेंटेंस में दी गई हो, तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस का सिंथेसिस टू टू की मदद से करते हैं। पहले वाले सेंटेंस में वेरी की जगह पर टू लिखें और दूसरे वाले सेंटेंस में टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखें। उम्मीद करता हूं कि यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, कल शाम 8 बजे मैं सिंथेसिस का दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा, उसे देखना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे, तब तक के लिए बाय।